फाइन, अगर आपको कुछ नहीं खाना है तो योर विश। प्लीज ये कॉफी पी लीजिए। ये आपने ठीक नहीं किया मिस्टर खान। पता है मैंने कितनी मुश्किल से कॉफी बनाई थी, अपने दिल पे पत्थर रख के, इतनी मुश्किल से, अपने कुकिंग स्किल को साइड पे रख के मैंने बिल्कुल आपके जैसी शुगरलेस और बिटर कॉफी बनाई, और आपने तो ऐसे झटक दी जैसे कॉफी इज इन योर कप ऑफ टी। मिस्टर खान, मैं सिर्फ आपको आपके इस साइलेंट जोन से बाहर करना चाहती हूँ। मिस्टर खान, हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, हम किसी भी बात पे एग्री नहीं करते, पर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे दिल में एक भरोसा रहता है कि मिस्टर खान है कि चाहे आपस में बिल्कुल ना बनती हो मिस्टर खान, बट ट्रस्ट मी, मैं आप पे और आपकी स्ट्रेंथ पे बहुत रिलाय करती हूँ। और सोचिए, मैं तो आपके घर में गेस्ट हूँ, आपकी मर्जी के बिना रह रही हूँ, जब मैं आप पे इतना डिपेंड कर सकती, इतना भरोसा कर सकती हूँ, सोचिए रजमा और पुप्पी कितना करते होंगे। मिस्टर खान, आप उनका सहारा है, आप वो पिलर है मिस्टर खान, जिसने इस घर को जोड़ के रखा है, और अगर आप ही टूट गए मिस्टर खान, इस वक्त पप्पी और नजमा को आपकी बहुत जरूरत है। सोचिए, अगर आपने उन्हें नहीं संभाला तो कौन संभालेगा? जानता आप मुझसे नाराज हैं। आज मैंने पहली बार आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया है। आप भले ही मुझे इस वक्त गलत समझ रही हैं, लेकिन एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि जो मैंने किया वो सही है।
मम्मी आप ही ने सिखाया था ना कि हमेशा सच्चाई हमेशा इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए। मैं आप ही की बात पर अमल कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो किया है मुझे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। भरोसा रखो, जिससे वो मोहब्बत करता है उसका बड़ा सब इम्तिहान भी लेता है। बेटा चुप हो जाओ, ठीक हो जाए। राशिद को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या अल्लाह, वो ठीक से लौट आए, मैं नमाज़े शुक्राना अदा करूंगी, बस वो लौट आए। अब अम्मी बैठिए। देख लिया आपके भाई ने क्या किया? सौतेला भाई, आखिर सौतेला होता है बेटा। अम्मी संभालिए अब अपने आप को, अप्पू को कुछ नहीं होगा। और कुछ हो गया तो? अम्मी के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप अपने अप्पू को छुड़ा कर लाएंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर आप ऐसा करेंगे बेटा। कसम खाइए बेटा, आप अपने अप्पू को छुड़ा कर लाएंगे। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अब्बू को छुड़ाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे अम्मी। बस बेटा, बस अपने अब्बू को ले आओ। जिस बात का डर था वही हुआ, जो राज इतने बरसों से छुपा रहा आज वो सबके सामने आ गया। रजिया, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था जी। जी, कुछ तूफान ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ उनका रुख मोड़ा जा सकता है। किस तूफान की बात कर रही हो तुम? असद अहमद खान, वो गुड़िया फैक्ट्री तक जा पहुंचा था। अगर मैं इस तूफान को राशिद मियां की तरफ न मोड़ती तो उसके हाथ हम दोनों तक पहुंच जाते। लेकिन अगर राशिद ने अपनी जुबान खोलती तो? अगर उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ बता दिया कि उस रात गुड़िया फैक्ट्री में क्या हुआ था, कि हमने उसे वहां भेजा था आग लगवाने के लिए, तो? आपको अगर आग से इतना ही डर लगता है तो आपको आग का खेल शुरू ही नहीं करना चाहिए था। राशिद मियां को अगर ये बात किसी को बतानी होती तो वो बरसों पहले बता चुके होते, और वैसे भी वो पुलिस को बताएंगे भी तो क्या? उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं कि वो हमें पकड़वा सके। 17 साल से मैंने इस साजिश के राज की हिफाजत की है,
राशिद मियां को कैसे खामोश रखना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी राशिद मियां को हमारे खिलाफ बोलने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, और ये बात मैं उन्हें वक्त वक्त पर याद दिलाती रहूंगी। मैंने कुछ कहा? हाँ, नजमान का ब्रेकफास्ट उनके रूम में लेके गई है। इस हालत में कहां जानी? मैं राशिद से मिलने जा रही हूं। मैं अब जानती हूं वो गुनेगार है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अच्छा, वो गुनेगार है? इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? सारे सबूत उनके खिलाफ है। सबूतों की बात छोड़ो, अगर खुदा भी आकर मुझसे ये कहे कि राशिद ने मेरे कत्ल की साजिश की है, मैं तो तब भी नहीं मानूंगी। अम्मी, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रही हैं? असल में तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम अपने यकीन पे कायम रहो और मैं अपने यकीन पे कायम रहूंगी। हाँ, हो सकता है कि आज तुम ये कहो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही है। मुझे राशिद मियां से मिलना है। रजिया भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, वहां तो पहले से एक विजिटर मौजूद है और उनका नाम है दिलशाद अहमद खान। करो दिलशाद, मैं कभी ख्वाब में भी तुम्हें राशिद, मैं नहीं जानती कि उस फैक्ट्री में क्या हुआ था। मैं ये भी नहीं जानती कि आपने वहां आग क्यों लगाई थी, और मैं ये भी नहीं जानती कि वहां कत्ल कैसे हो गया, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं आप कुछ भी कर ले किसी की जान नहीं ले सकते राशि। लेकिन मेरा बेटा, मेरा अपना खून, वो तो यही मानता है ना? तक ऐसा सिर्फ नाराज था मुझसे, लेकिन अब मुझे कातिल भी समझता है। मुझे अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा दिलशाद, अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा, लेकिन कैसे? इस गुड़िया में से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, फैक्ट्री, गुड़िया। दिलशाद, वो गुड़िया, कह रही थी कि उस गुड़िया में कुछ रिकॉर्ड है।
हाँ राशिद, लेकिन वो गुड़िया मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है वो गुड़िया? बेचारा, वो गुड़िया मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वाकई उस गुड़िया में कुछ रिकॉर्ड है तो वो फैक्ट्री में ही रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि वो गुड़िया मैंने नजमा को वहीं पर दी थी। दीक्षा, जरूर कुछ ऐसा सच है जो मैं नहीं जानता, जिस गुड़िया में रिकॉर्ड है। कुछ भी करो, उस गुड़िया को ढूंढो। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो गुड़िया का मेरे पास होना बहुत जरूरी। आप फिक्र ना करें राशिद, मैं कुछ भी करूंगी पर वो गुड़िया ढूंढ निकालूंगी। नहीं गया ना, यहां भी चली आई किसी और के शौहर से मिलने? मैं चाहूं तो आपकी बात का जवाब दे सकती हूं, लेकिन आपकी सोच तक गिरना मेरे बस के बाहर। कौन कहां गिरेगा वो तो वक्त ही बताएगा। दिलशाद, तुम चाहे कुछ भी कर लो, राशिद को नहीं बचा पाओगी। उनको बचाने के लिए अगर मुझे मौत से भी लड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं वो गुड़िया ढूंढ कर रहूंगी। ज्यादा ना शैतानी नहीं करनी है, मैं सारा काम खत्म करके साथ चल लूं। सलाम अलैकुम। हेलो, आपकी बच्ची है जी? आज इसकी छुट्टी थी ना तो साथ में आ गई। अच्छा किया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। सो क्यूट। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। पद्मा, आप फूफी का खाना बना दीजिएगा, मैं कुछ मेडिसिन लेने जा रही हूँ। जी लक्ष्मी, यहीं खेलना कहीं ज्यादा मत, गेट से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना। मैं भी काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? अरे वाह, तुम कितनी प्यारी हो।